देखो बच्चों, आज हम फिर फर्स्ट चैप्टर का जो रेस्ट पार्ट था, बाकी भाग था, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आपको हम पिछले मतलब क्लास में जो है सो बोले थे होमवर्क पूरा करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स को भर लेना होमवर्क था। उसका था वर्ड मीनिंग याद करना, इन सभी वर्ड को आप किए होंगे। आगे रीडिंग देना, एक फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक बताए थे और फिर उसके बाद बोले थे तो उसको एक बार लिखना, राइट कर। आगे हम उस पैराग्राफ से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे, रीडिंग देना शुरू करेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे और आगे क्या इस चैप्टर में जानना है उसको सीखेंगे। देखिए सबसे अब यहाँ डू यू हैव ए निकनेम टू कह रहा है क्या कि क्या तुम्हारा भी कोई उपनाम है, क्या तुम्हारा भी कोई उपनाम है। निकनेम मीन्स उपनाम होता है। अब देखिए जरा समझ लो, निकनेम किसको बोलते हैं, उपनाम किसको बोलते हैं। वैसा नाम जो कि आपके घर में लोगों के द्वारा बुलाया जाता है, जिस नाम से आपको घर में बुलाते हैं लोग, घर के लोग आपको जिस नाम से बुलाते हैं वह नाम आपका निकनेम कहलाता है, उपनाम कहलाता है। जैसे कि आपके घर स्कूल का नाम है राजेश कुमार और घर में लोग आपको डब्बू बोलते हैं या पप्पू बोलते हैं या टिंकू बोलते हैं, तो यह जो नाम है डब्बू टिंकू पप्पू ये आपका निकनेम और नाम आपका हुआ जो स्कूल में नाम है राजेश कुमार सोहन कुमार या बब्लू, ये आपका जो नाम हुआ तो उसी को हम निकनेम। अब है माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त माय फ्रेंड एंड और आई मैं स्टडी टुगेदर। स्टडी मीन्स अध्ययन करना पढ़ना और टुगेदर मीन्स साथ साथ। तो इसमें कहता क्या कि मेरे जितने भी दोस्त हैं और मैं साथ साथ पढ़ता हूँ। उसके अंदर दूसरा लिखे वी मीन्स हम, ऑल्सो मीन्स भी हम भी। उसके बाद है इंजॉय प्लेइंग गेम्स, क्या खेलते हैं, खेल खेलते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। वी ऑल्सो इंजॉय, हम खेल खेल कर भी आनंद उठाते हैं। तो है वी ऑल्सो, हम भी क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, किस लिए आनंद उठाते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। देखिए आपके सामने पिक्चर में है प्लेइंग विथ माय डॉग, या लड़का जो है कौन लड़का है, नाम राजू, जो इस बुक में राजू नाम का जो लड़का है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है, वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है। यहाँ देखिए किसके साथ खेल रहा है, प्लेइंग विथ माई फ्रेंड, या जो है किसके साथ खेल रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो यह जो है खेल खेलता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर मतलब है फर्स्ट पेज है। अब कहता है कि हाँ ये फैक्ट क्वेश्चन, द वर्ड हेलो वाज यूज्ड टू आंसर द फर्स्ट टेलीफोन कॉल। एक यह भी है क्या कि जब आपके घर में मम्मी या पापा का फोन आता है या आपका किसी दोस्त का फोन आता है, रिश्तेदार का फोन होता है, जब फोन को आप रिसीव करते हैं, उठाते हैं, रिसीव करते हैं, तो सबसे पहला वर्ड आप बोलते हैं हेलो। यह जो वर्ड है हेलो, यह टेलीफोन को, टेलीफोन से जो बात करने का सबसे पहला आंसर होता है हेलो। तो यह जो है हेलो वर्ड है जो आप टेलीफोन
पे किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बात करना शुरू करते हैं, तो आपको पहला आंसर हेलो वर्ड से देना होता है। तो ये है आपका निकनेम के बारे में, मतलब है कि निकनेम किसको बोलते हैं, पेट नेम ऑफ पीपल, मतलब क्या घरेलू जो है नाम जो लोगों के द्वारा बोला जाता है, वह नाम जो कहीं आपको लिखा नहीं जाता है न स्कूल में या आधार कार्ड पे या कोई रजिस्टर पे, वह नाम आपको अब नहीं जाना जाता है, सिर्फ बोला जाता है, उस नाम से आपको पुकारा जाता है, वह कहलाता है निकनेम। देखिए अब नेक्स्ट पेज में अब ऊपर दे रहा है, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा चिल्ड्रेन वियरिंग कार्ड्स इन स्कूल, बच्चों को स्कूल में कार्ड पहने आपने देखा कि आप क्या आपने देखा कि बच्चे स्कूल में क्या पहने रहते हैं, कार्ड। आप जरूर देखें हर एक बच्चे क्या करते हैं, गला में फीता लटका के और यहाँ पे जो है सो कार्ड लटकाया पहने रहते हैं। दीज कार्ड्स, ये कार्ड जो है आर कॉल्ड कहलाता है, ये कार्ड जो है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स। ये आइडेंटिटी मीन्स परिचय और कार्ड मीन्स पत्र, आइडेंटिटी कार्ड मीन्स परिचय पत्र, ये कार्ड क्या कहलाते हैं, परिचय पत्र कहलाते, आइडेंटिटी कार्ड कहलाते हैं, जो बच्चे गला में पहने रहते हैं, फीता से लटका करके गला में पहने रहते हैं, वे कार्ड, दीज कार्ड, ये कार्ड कहलाते हैं, आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड मीन्स परिचय पत्र, जिन पे उस कार्ड पे उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका घर, उनका टेलीफोन नंबर, किस वर्ग में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों को इस आइडेंटिटी कार्ड में लिखा रहता है, दर्शाया रहता है। द कार्ड टेल्स अस अ फ्यू थिंग्स अबाउट द पर्सन वेयरिंग इट, सच एज his or her name, class and birth। जैसा कि हमने कहा कि उस कार्ड पे क्या रहता है, कुछ लिखा रहता है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, the card tells us, यह कार्ड बतलाता है a few things, कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि about the person wearing it, जो व्यक्ति उसको पहने रहते हैं, जो आईडेंटिटी कार्ड को, उसी व्यक्ति के बारे में बतलाता है, क्या सच है, जैसे कि हिज और हर, उसका या उसकी नेम, अगर लड़का है तो उसके बारे में, उस लड़का का नाम, कोई लड़की अगर पहनी है तो उसकी लड़की के बारे नाम, क्लास, वह किस क्लास में पढ़ता है, किस वर्ग कक्षा में पढ़ता है, एंड बर्थडे, उसका कब जन्मतिथि है, बर्थडे कब, उस सारे चीज उस कार्ड में, आइडेंटिटी कार्ड में लिखा रहता है। देखिए आपके सामने एक आइडेंटिटी कार्ड का परफॉर्मा है, बना हुआ है कि स्कूल में कि आप किस स्कूल में पढ़ता है, जिस स्कूल में पढ़ेगा उस स्कूल का नाम यहाँ लिखना है, उसके बाद क्लास, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड में है या क्या सा कार्ड है, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें ऊपर स्कूल का नाम है, फिर क्लास, किस क्लास में पढ़ता है, उस क्लास में उसका रोल नंबर कितना है उसको लिखा रहेगा, उसका नाम क्या, जो जब पढ़े पहनेगा, जो यह आइडेंटिटी कार्ड पहनेगा उसका क्या नाम है वो यहाँ लिखा रहेगा, और डेट ऑफ बर्थ, किस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ है, किस दिन वह जन्म लिया उसका वह डेट, और लेफ्ट साइड में इसका देखिए यहाँ पे उस जो पहनेगा उसका यहाँ फोटोग्राफ, फोटो पिक्चर,
देखिए अब है आपको क्या करना है कि अपने घर में एक पेपर को, छोटा सा पेपर को कट कर देना, जितना बड़ा ये है इतना बड़ा ये पेपर आप कट करना है आपको अपने से। उसके बाद इसी के जैसा सेम आइडेंटिटी कार्ड बनाना है और स्कूल नेम, और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखना है। फिर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड ये मत ये हो गया। उसके बाद क्लास, यहाँ पर किस क्लास में पढ़ते हैं क्लास का नाम लिखना है। रोल नंबर आपका कितना है, आपका नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है। ध्यान दीजिए स्कूल नेम में स्कूल का नाम लिखना है, न कि अपना नाम। स्कूल नेम मीन्स स्कूल का नाम, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, और डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं डेट ऑफ बर्थ तो अपने मम्मी पापा से पूछ के यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड तैयार हो जाएगा। और आप उसको क्या करेंगे, एक प्लास्टिक कवर में प्लास्टिक करवा लेंगे, आइडेंटिटी कार्ड तैयार है सर, टांग करके रखिए गला में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कार्ड अब आता है, आए हैं दी थिंग्स वी लाइक।